हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की चर्चा के अंदर बात कहाँ से शुरू करें। सबसे पहली बात तो है यही, सर बात शुरू करो आज SBI से। सर, SBI का रिजल्ट कल मीडिया में पेश किया गया, बहुत ही बढ़िया है, और आज SBI क्यों टूट गया? तो SBI का शेयर क्यों टूट गया, ये चर्चा तो आज हम करेंगे, लेकिन इसका जो कल्प्रिट है वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के अंदर काफ़ी बैंकों का एक्सपोज़र है, और जिसमें से चार बैंक का प्रमुख है, जिसमें से IDFC फर्स्ट बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक के साथ साथ SBI। लेकिन SBI क्यों टूटा ये तो चर्चा करेंगे ही, इसके अलावा भी। और आज SBI का शेयर 3.3% यानी कि करीबन 3.25% के आसपास टूटा, इंडसइंड बैंक का 2.25% के आसपास। इसी तरीके से आपको यस बैंक के अंदर भी और IDFC फर्स्ट बैंक में भी कमजोरी देखने के लिए मिली। अब ये वोडाफोन का जो इशू है वो वास्तव में अब जो है दोबारा से ऐसा लगने लगा है कि जिस तरीके से कुमार मंगलम बिरला जी ने हाथ खड़े किए हैं, उसके बाद शायद डिफ़ॉल्ट की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और कंपनी को गोइंग कंसर्न एंटिटी की तरह चल पाना शायद थोड़ा मुश्किल है। गोइंग कंसर्न एंटिटी का मतलब होता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये मानते हुए अकाउंटिंग करते हैं कि बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा और उसको कर्टेल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हम जो है उस एंटिटी को गोइंग कंसर्न एंटिटी बोलते हैं। और उसी के साथ एक और दूसरा प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, यानी कि जब हम अकाउंटिंग है तो हर एक पीरियड के बाद अकाउंटिंग करते हैं, तो जनरली एक साल के अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन जो कंपनियां लिस्टेड स्पेस में हैं तो वो क्वार्टरली रिपोर्ट भी जो है पेश करती है, तो हर 3 महीने बाद, तो हर 3 महीने की एक अकाउंटिंग ब्लॉक करके जो है वहाँ पर रिकॉर्डिंग करती है। और गोइंग कंसर्न एंटिटी के अंदर जो भी असेट्स की कीमत होती है उसको डेप्रिसिएशन मान लिया जाता है कि ये 10 साल या 15 साल चलेगी। अल्टीमेटली हम उसकी यूज़फुल लाइफ को इसीलिए प्रज्यूम करते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो एंटिटी है वो एक गोइंग कंसर्न एंटिटी है, लेकिन जब उसके बिजनेस की संभावनाएं समाप्त हो जाएं या उसको फाइनेंशियली चला पाना बड़ा मुश्किल हो जाए, तो हम ये बोलते हैं कि उसको गोइंग कंसर्न एंटिटी जो है कितने समय तक रहेगी इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो जब गोइंग कंसर्न एंटिटी नहीं रहती है तो बहुत सारे जो खर्चे हैं वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक करने पड़ते हैं, और जनरली ऐसी कंपनियां लिक्विडेशन में चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति कुछ अलग तरीके से है। वोडाफोन आइडिया को जो है सरकार बंद नहीं कर सकती है क्योंकि उस बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर हुआ तो उस तरीके से अगर करने के लिए जाएंगे तो वो इतना ईजी नहीं है आज के युग में। और उसके अलावा एक और भी बात है कि इनके बहुत सारे जो है बिजनेस अकाउंट्स हैं जहाँ पर इनकी इंटरनेट की सर्विसेज या जो बाकी सर्विसेज हैं इनकी चलती हैं, तो आइडिया के लिए जो है ये एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जो है कुमार मंगलम बिरला जी ने कहा जी देखिएगा जी आप ही सरकार मेरा हिस्सा ले लीजिए और मेरा पीछा छोड़ दो, आप जानो और वोडाफोन जाने, और मैं आपको ये कंपनी दे के गंगा जी नहा लेता हूँ। तो लेकिन ऐसा अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या आएगा पता नहीं। तो ये तो सीधी सी बात है कि अगर गवर्नमेंट भी किसी तरीके से की अनाउंसमेंट करती भी है तब भी जो है रिलीफ अगर मिलता हुआ नज़र आया तो दोबारा से ये सारी चीज़ें उठती हुई नज़र आ जाएंगी, यही जो शेयर्स गिरे हैं वो चलते हुए। लेकिन रिलीफ मेजर्स के अंदर इतना बड़ा डेट है कंपनी की बैलेंस शीट में, तो शायद उस रिलीफ मेजर से भी कुछ होने वाला नहीं है। नया इन्वेस्टर कोई भी जो है डूबते जहाज में नहीं बैठना चाहता। तो आपने अगर वो टाइटेनिक फिल्म देखी होगी, तो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे सिंकिंग ऑफ टाइटेनिक, तो डूबते हुए जहाज में कोई नहीं बैठता। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर इन बैंकों का पैसा मरना तय है, तो ऐसा जो है बाजार मानता है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके के शेयर्स में गिरावट देखने के लिए मिली। और इनमें से कुछ तो ऐसे बैंक हैं जिनके अंदर जो कि उनका पूरा का पूरा क्वार्टर के प्रॉफिट्स जो है साफ हो जाएंगे उनके प्रोविजंस में। तो हालांकि IDFC फर्स्ट बैंक ने पहले प्रोविजन बना रखे थे, लेकिन उसका राइट बैक कर लिया था उन्होंने पिछले 3 क्वार्टर पहले, तो कि जब उनको लगा कि यार प्रॉफिट जो है कम है हमारे पास तो इसको राइट बैक कर लो, क्योंकि आइडिया भी सही से चलने लगी थी, और वोडाफोन आइडिया ने भी जो है अपना लोगो वगैरह भी चेंज कर लिया था, तो उनको भी लगा था कि चलो अब तो पैसे आ ही जाएंगे, तो डिफ़ॉल्ट हुआ भी नहीं था तब तक। तो उन्होंने प्रोएक्टिवली जो है पहले प्रोविजन बनाया, बाद में उसको राइट बैक किया, तो अब वो जो अमाउंट है वो भी प्रोविजन्स का नहीं है, तो वो ओनली एक पोर्शन ही जो IDFC फर्स्ट बैंक की बुक में और बाकी बैंकों की बुक में जो है प्रोविजन के रूप में है, तो जिसकी वजह से एक सीवियर पेन
जो है इन बैंकिंग शेयर्स में आ सकता है, क्योंकि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है कुछ बैंकों की तो एक क्वार्टर और कुछ की दो क्वार्टर का जो है प्रॉफिट साफ हो जाता है अगर ये प्रोविजंस बनते हैं। तो मैं पहले भी आपको बहुत बार ये समझा चुका हूँ कि जो बैंकिंग के अंदर जो लोन बुक होती है वो बहुत बड़ी होती है, यानी कि जो पैसा देते हो जो वो डिपॉजिटर्स का पैसा होता है, अगर वो पैसा डूबता है तो अल्टीमेटली जो है शेयर होल्डर्स को जो है डैमेज होता है, क्योंकि जो नेट इंटरेस्ट का मार्जिन है यानी कि ब्याज लेने और देने का जो डिफरेंस है वो शेयर होल्डर कमाता है। लेकिन अगर आपने डिपॉजिटर को पूरे पैसे देने और आपके पैसे अगर कलेक्ट करने में मर जाए तो वो आपका लॉस होता है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के सामने जो आपका लॉस होता है और जो आपको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देने होते हैं वही तो जो है बैंकों का प्रॉफिट होता है। तो उसका मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल दीजिए और जो आपको बैड लोन्स होने हैं वो निकाल दीजिए तो बाकी आपका प्रॉफिट है। तो अब अल्टीमेटली बैड लोन्स अगर ये होंगे तो इन बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पर जो है करीबन आधे साल के प्रॉफिट के भी ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि SBI पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि बाजार को कि शायद SBI के रिजल्ट कल बहुत बढ़िया थे, बट मेरा मानना है कि रिजल्ट एवरेज और या हम ये बोल सकते हैं अबव एवरेज थे, और वो ऑलरेडी 15 की जो है प्राइस टू बुक सॉरी 15 की PE रेशियो पे के हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं। तो आज किसी ने मेरे से सवाल ही पूछा था कि सर ये SBI क्यों टूट गया, तो देखिएगा ये सवाल का जवाब भी जो है जिन्होंने मुझसे पूछा होगा तो उनको सवाल का जवाब भी मिल गया। ये तो बात थी SBI के बारे में, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक और बजाज फिनसर पांचों फाइनेंशियल स्पेस की कंपनी है जिनके अंदर करेक्शन थी। इंडियन ऑयल, अल्ट्राटेक, NTPC ये और बाकी गिरने वाले थे। और देखिएगा इसका जो अगर आइडिया वोडाफोन अगर कमज़ोर होगा तो उसका फ़ायदा किसको होगा? एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को होगा और एक भारतीय एयरटेल को होगा। दोनों शेयर्स आज पॉजिटिव थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1.45% था और भारतीय एयरटेल 4%, और रिलायंस के साथ साथ भारतीय एयरटेल का चलना जो है हमें लॉजिकल लगता भी है। और भारतीय एयरटेल देखिएगा 619 रुपये के हाई जो है आज लगाता हुआ नज़र आया। हालांकि 600 से ऊपर क्लोजिंग दे देता तो शायद एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाती, लेकिन अभी भी अच्छी क्लोजिंग है भारतीय एयरटेल की कुल मिला के। तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जो है आइडिया के जो खोने वाले जो कस्टमर्स हैं वो शायद इनकी झोली में जा सकते हैं, तो इसलिए दोनों शेयर्स के अंदर एक तेज़ी देखने के लिए मिली। लेकिन भारतीय एयरटेल की भी बैलेंस शीट कोई ऐसी नहीं है कि उसमें डेट नहीं हो, तो भारतीय एयरटेल की बैलेंस शीट भी कुल मिला के जो है काफ़ी डेट से भरी हुई है, जिसकी वजह से आप देखिएगा मार्केट की पूरी रैली के अंदर इसने भी कोई खास पार्टिसिपेट नहीं किया। जिस तरीके से टेलीकॉम की स्टोरी के बारे में जो है चर्चा की जाती है उसको अगर मद्देनज़र रखें तो आइसर मोटर जो है और 3.42% की तेजी थी। ITC आज चला, ये काफ़ी लोगों को खुश करने वाली बात होगी, और एक लॉन्ग टर्म का शेयर्स आज ITC चलता हुआ नज़र आया। तो इसका जो मेन कारण है वो अब मैं आपको शेयर करता हूँ। तो देखिएगा बाज़ार पिछले 3 दिनों में चले और बाज़ार नीचे नहीं जा रहे थे 3 दिन पहले, तो जो ऑपरेटर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने एक बड़ा बढ़िया गेम खेला। उन्होंने एक गेम खेला कि 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर जनरली मार्केट खड़ी कर दी और 2 दिन के अंदर इतनी अच्छी तेज़ी की गई। 3 दिन के अंदर ही मैं बोलूँगा क्योंकि मैंने सोमवार को जब बाज़ार चले थे तो मैंने कहा था कि शायद 16,000 क्रॉस कर जाएगा, तो मंगलवार को वो क्रॉस हुआ, बुधवार को भाई साहब बैंक निफ्टी के शेयर्स ने धमाका कर दिया। तो इतनी अच्छी तेज़ी अगर 3 दिन तक हुई तो चौथे दिन तक प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। अब वो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी तो आप कौन से शेयर्स को ऊपर चढ़ाओगे? क्योंकि आपने कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम खाने, क्योंकि जिस समय बाज़ार को चढ़ाना उन्होंने शुरू किया तो जो 16,000 की कॉल्स है, 16,000, 100, 200 की कॉल्स में कुछ भी वैल्यू नहीं थी, तो उन प्लेयर्स ने जो है इनके अंदर बाइंग की होगी और फिर देखिएगा बाज़ार के अंदर जबरदस्त जो है तेज़ी की होगी। अब आज हफ्ते की वीकली एक्सपायरी थी तो अगर निफ्टी नीचे आ जाता तो भाई साहब इनको तो ऑप्शंस के प्रीमियम कम मिलते, तो अल्टीमेटली इनको आज उन कॉल्स को बेचना था। तो अब उसको बेचने के लिए कुछ भी हो, साम दाम दंड भेद जो है आज निफ्टी को ऊपर करना ही करना था, क्योंकि निफ्टी के अंदर जो है 50 शेयर्स हैं, एक गिरेगा तो दूसरे को उठा लेंगे। और ITC एक हैवी वेट है इंडेक्स के अंदर, जो है टॉप 10 शेयर होल्डर्स की लिस्ट में है अभी भी जो वेट रखते हैं इंडेक्स के अंदर। तो इस इंडेक्स के अंदर हालांकि अब 10 से शायद 11 या 12 पे चला गया, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा वेट है। तो ITC को उठाया गया, इसी तरीके से HDFC बैंक को उठाया गया, और उस तरीके के शेयर्स जहाँ पर भी थोड़ी सी भी गुंजाइश थी, जो थोड़े से भी ओवरसोल्ड कैटेगरी में थे उन सबको उठाया गया। और आज जितने भी शेयर्स आपको देखेंगे वो सब तेज़ी के साथ जो चल रहे हैं वो हैवी वेट है। लेकिन फिर भी निफ्टी ज़्यादा नहीं उठ पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सौदे बहुत अच्छे काट लिए। अब यहीं से मेरा अगला सवाल है कि क्या बैंक निफ्टी में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिएगा बैंक निफ्टी में लगातार शेयर 3 दिन से चल रहे थे,
अब 3 दिन से शेयर चलने के बाद जो शेयर चल रहे थे, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, SBI, ये सब चल रहे थे, और कोटक भी चल रहा था, और कोटक ने तो आज धमाका ही कर दिया था एक समय तो, और कोटक ने सबसे अच्छी तेजी की, उसके बाद HDFC बैंक ने भी। तो अब HDFC बैंक इनमें सबसे कम चला था, कोटक कम चला था, तो कोटक को और HDFC बैंक को आज इन्होंने ऊपर खड़ा कर दिया, कोटक को भी और HDFC बैंक को भी। लेकिन वो इतनी डिजर्व करते नहीं थे, लेकिन इनको अपने निफ्टी के सौदे ऊपर काटने थे और साथ में बैंक निफ्टी भी गिर जाए। लेकिन लास्ट के आधे घंटे में भाई साहब बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त सेलिंग हुई। जैसे 3 बजे हम इंतजार कर रहे थे कि भाई साहब एक सेलिंग हो सकती है, 3 बजकर 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही 3 बजकर 5 मिनट हुए भाई साहब, बियर्स ने ना बैंक निफ्टी के स्टॉक के ऊपर वो प्रहार करना शुरू किया, उठा के कोटक महिंद्रा बैंक को आप देखेंगे 15 रुपये तोड़ दिया, इसी तरीके से HDFC बैंक को 10 रुपये। हालांकि SBI को सुबह ही तोड़ चुके थे ये, और SBI एक बार तो जो है 440 के नीचे भी देखे मारा था 1-1.5 बजे के आसपास, लेकिन वो तुरंत उठ गया था। तो एक बुल्स जो है काफ़ी अग्रेसिव थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि बियर्स इस इंतज़ार में थे कि भाई साहब जैसे ही अपना 3 बजकर 5 मिनट 10 मिनट होंगे, हमने अपने हालांकि आधे घंटे की एवरेज होगी, तो अपनी पोजिशंस को जो है नीचे ला कर स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो आधे घंटे के अंदर 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर करेक्शन आया, लेकिन वो एडजस्ट होने के बाद थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब कल का रुख क्या लगता है? अगर आज आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, सॉरी सिंगापुर निफ्टी को, तो सिंगापुर निफ्टी पॉजिटिवली काम कर रहा है इस समय पर, और करीबन करीबन 50 से 60 पॉइंट जो है पॉजिटिवली काम कर रहा है। डाउ जोन्स भी 35,000 के पार आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे क्या लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाजार जो है वो एक रेंज में ही रहने वाले हैं। बाजार 16,300 के ऊपर शायद कल खुले, 10,350-60-70 पे कुछ समय रुके भी वहाँ पे, लेकिन शाम होते होते मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, नहीं तो कम से कम फ्लैट के आसपास तो है बाजार बंद हो ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब वो जो तेजी वाला जो माहौल है वो अभी आपको थोड़े दिन के लिए जो है शांत होता हुआ नजर आएगा, एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगी, सेल ऑन हाई, यानी कि जैसे ही हाई पर बाजार जाएंगे वहाँ पर सेलिंग होगी, और बुल्स चाहेंगे कि चीज़ों को रोटेट किया जाए, इस शेयर्स को बदल के दूसरे शेयर्स को रखा जाए। तो एक्चुअली बहुत ओवरबोट सिचुएशंस के अंदर जो है बाजार हैं, तो हो सकता है कि बाजार एक बार सांस ले ऊपर जाए, लेकिन ऊपर जाने के बाद सेलिंग होएगी, और सेलिंग की वजह से बाजार या तो फ्लैट होगा या नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है। तो ऐसी मुझे उम्मीद है, और अगर कोई भी जो ट्रेड है वो मुझे लगता है कि इसी तरीके के जो है शायद बनते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिएगा अब बाज़ार किस तरीके से आप कैलकुलेट करिएगा। बाज़ार अब सबसे खास बात यह है कि तेजी करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया है, वैल्यूशंस वाइज भी लिक्विडिटी भी बहुत आ चुकी है बाज़ार में। अब चीज़ें क्या हैं बिजनेस के हिसाब से चलती हुई नज़र आएंगी, लेकिन बुल्स के लिए सबसे कंफर्टेबल चीज़ है क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत नीचे आ गया है, तो करीबन 8-9 डॉलर क्रूड ऑयल जो है पिछले 10 दिनों के अंदर ऊपर से नीचे आ गया है, वो सबसे पॉजिटिव है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको पता है कि अब मेरिट के ऊपर जो है काम होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि एक कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी बनती है कि 1% से लेकर 1.25% तक इंडेक्स लेवल पर मंथ आप जो है जोड़ लीजिएगा, तो इतना एवरेजली जो है बाजार हमें लगता है कि अगले 1 साल तक चलेगा। तो अगले 1 साल तक 10 से 12% बाजार आप लगाइए, तो आप ये मान सकते हैं कि बाजार अगले 1 साल में 17,800 या 18,000 के आसपास हो सकता है। लेकिन किसी भी महीने में अगर बाजार में 400-500 पॉइंट की गिरावट आती है, तो उस समय पर जो है बाजार उससे अगले महीने में या उस दौर में एकदम बहुत अच्छा भी चल सकता है, क्योंकि नीचे जाने के बाद बहुत अच्छा चलेगा। तो ये जो एक कैलकुलेशन है जो जनरली एक इंटरेस्ट की या कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन है, वो हमें लगता है कि तो बाजार 1% पर मंथ लगा लीजिएगा 12%, और 1.5 पे लगाएंगे तो 18%, तो अगर 10% भी 12% भी आप लगाएं तो वो यही जो है टारगेट निकल कर आते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, यानी कि अगर आप टीवी चैनल्स देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई साहब जो है वो 10 दिन के अंदर ही इंडेक्स को 18,000 लगा देंगे। अगर टीवी चैनल्स को देखें और उनकी बात सुने तो उन एनालिस्ट को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अगले 10 दिन में 18,000 ही जो है बैंक निफ्टी लग सकता है उनकी बात सुने तो। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कैपिटल है, और जब शेयर्स के प्राइस ऊपर आ जाते हैं तो जो उससे जुड़े हुए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर जो प्रमोटर्स भी हैं, तो उनको पता चल जाता है कि यार हमारी कंपनी की वैल्यू इतनी तो बनती नहीं है, हम तो रोज रात दिन काम करते हैं। तो वो जो प्रमोटर्स हैं वो लोग अपना स्टेक बेचना शुरू कर देते हैं,
तो इस वजह से भी जो है एक प्रेशर आता है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको पता चल जाता है कि भाई हमारी वर्थ इतने से की तो नहीं है, लेकिन हमारा शेयर प्राइस उससे ज़्यादा है और बाजार इरेशनल होता है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि इंडेक्स लेवल पर गया। और जहाँ तक बात अगर आप बाकी ब्रॉडर मार्केट की बात करेंगे, तो ब्रॉडर मार्केट में देखिएगा स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी वो वाली जो स्ट्रेंथ जो हम देख रहे थे अभी 1.5-2 महीने पहले, वो शायद अभी 10-12 दिन जो है, 15 दिन थोड़ी सी जो है पोज रखेगी और फिर जो है उसके अंदर एक नई जान आएगी। तो एक बार वो कंसोलिडेशन करेगी और उसके बाद जो है तेजी आ सकती है। बाजार में जो है डाउन साइड है वो भी हो सकती है, तो कोई भी एडवर्स न्यूज़ आएगी या इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी कमजोरी होगी, तो उसकी वजह से हमारे बाजार भी कमज़ोर हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको अपने आप को प्रॉपर हेज रखना चाहिए। तो बाजार हालांकि अब टेक्निकली बहुत स्ट्रोंग है 16,000 से ऊपर आने के बाद, 16,000 जब तक नहीं टूटता है तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी तेजी की पोजीशंस कम होती हुई नजर आएंगी। 16,000 के बाद भी 15,900 भी बहुत अच्छे सपोर्ट है, तो ये एक बेस है, इसके ऊपर जो है बाजार बन गया है, क्योंकि इन लेवल्स को तोड़ने में बहुत मेहनत लगी है, तो अभी एक बेस बन गया है। शायद ये बेस अब शायद बाजार ना तोड़े बहुत जल्द नियर फ्यूचर में, अगर ये टूटते हैं तो आप समझ जाइएगा कि बाजार में कमजोरी आ सकती है। तो मुझे नहीं लगता अभी, क्योंकि जिस तरीके से अभी बाजार नीचे से मजबूत होके आए हैं, इतनी जल्दी एक क्रैक होने वाले, और नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। अगर आप 15,650 पे देखेंगे, 15,550 पे देखेंगे, 15,500 पे, तो ये जो पूरा रेंज वाला एरिया है। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जहाँ पर जिन शेयर्स के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, वहाँ पर अब शायद बाजार वो रिवार्ड ना दे जैसा अभी अब तक रिवार्ड दे रहे थे। तो जैसे अभी आप पिछले 5-7 दिन से जो है हम इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ भी जो बात करते हैं, तो उनके अंदर वो पहली बार हमें ये माहौल हो रहा है कि सर ये शेयर चलता नहीं, अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी शेयर नहीं चला, जैसे मैंने ब्याज SBI की बात की। तो जब ऐसा संकोच जो है इन्वेस्टर के मन में आता है, तो इसका मतलब होता है कि बाजार के अंदर कहीं ना कहीं जो है एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होने लगे हैं, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा है उसकी वजह से जब शेयर्स जो हैं वो थम जाते हैं, और ब्रोडर मार्केट के अंदर जो मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ वो भी सामने आ जाती है, यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आप अगर गौर करेंगे तो वो ये जो है चीज़ें बयां कर रही हैं। अभी बेशक से इंडेक्स ने तो बहुत अच्छी रैली जो है 3 दिन के अंदर करी, लेकिन 2 दिन के अंदर में एक दिन एक खास था, अगर हम ब्रॉडली देखें तो मंगलवार और बुधवार की जो है रैली मेन थी। तो मंगलवार के दिन तो जो है पूरी की पूरी ब्रॉडर मार्केट भी निफ्टी के साथ थी जो 16,000 टूटा, लेकिन कल के दिन यानी कि बुधवार के दिन ब्रॉडर मार्केट ने उतना साथ नहीं दिया, तो पोर्टफोलियो में दम दिखा नहीं, हालांकि निफ्टी और सॉरी बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। अब आज का पैटर्न हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा है, तो हैंगिंग मैन पैटर्न ये बताता है कि बाजार को बुल्स ऊपर तो खींच के लेके गए लेकिन ऊपर टिकने नहीं दिया, बियर्स बाजार को नीचे तो लेके जाने लगे लेकिन नीचे भी नहीं जाने दिया, बाजार जहाँ खुला उसी के आसपास बंद हो गया। तो केवल 6 पॉइंट का डिफरेंस था ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में, तो इस तरीके की कैंडल बनती है। ऐसी कैंडल के बाद एक बड़े अप मूव या डाउन मूव की जो है गुंजाइश भी रहती है, तो हो सकता है कि बाजार ऊपर खुल के नीचे की तरफ या तो न्यूट्रल या नेगेटिव की तरफ ट्रेड करते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये चौथी कैंडल है जो ग्रीन आपको नज़र आ रही है निफ्टी के ऊपर, तो 4 ग्रीन कैंडल के बाद वैसे भी हमें ऐसा चांस लगता है कि 4 ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे भी देखेंगे तो बहुत ही ऐसे कम केस मिलेंगे कि जहाँ पर 4 ग्रीन कैंडल के बाद आपको 5वीं भी ग्रीन कैंडल जो है मिले, तो या पॉजिटिव क्लोजिंग हो, तो आप स्क्रीन पे भी देखेंगे तो आपको ये सब बात जो है समझ में आ जाएगी। तो जहाँ पर 5वीं कैंडल भी ग्रीन है, तो ऐसा है कि उस दिन बाजार खुला ही बहुत नीचे था इसलिए ग्रीन है, नहीं तो मोस्टली केसेस में 4 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर खुलने के बाद बाजार नीचे आ सकते हैं, ये मेरा निफ्टी के ऊपर जो है फोक आइडिया है। और इसके बाद देखिएगा ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, SBI, बजाज फिनसर्व, HDFC, जो सेक्टर कल बाजार को लीड कर रहा था आज वो बाजार को हल्का सा मायूस करता हुआ नजर आ रहा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कमजोरी कर दी, HDFC बैंक लगातार देखिएगा 3रे दिन कमाल करता हुआ नजर आया, और 3 दिन के अंदर देखिएगा 1406-10 के आसपास जो है 6 और 10 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, 1406-14, तो 70-80 रुपये की रैली इसमें हो चुकी है। तो मुझे इस शेयर पे भी ऐसा लगता है कि कल 1460 या 1480 के बीच में जो है ये ट्रेड करता हुआ आपको मिले, और एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि 1480 तोड़ के 1480 के नीचे ये ट्रेड करता हुआ आपको मिले, क्योंकि जिस तरीके से आज बुल्स ने इसके अंदर पोजीशन बनाई होंगी आज की ऑप्शंस के लिए, तो वो शायद अपनी पोजीशंस को हल्की करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि
क्योंकि ऑप्शंस की ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी शेयर्स में लॉस हो कोई बात नहीं, लेकिन वो ऑप्शंस में इतना पैसा कमा लेते हैं बाज़ार को ऊपर लाने के लिए, तो वो शायद कॉस्ट आज जो है वो उनको लगी होगी। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि तो जब जो शेयर्स ओवरबोट हो रखे हैं तो बैंक निफ्टी भी शायद हो सकता है, अभी जैसे मैंने कल भी बोला था कि ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 36,200 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 35,500, इस रेंज में जो है बाजार रहना चाहिए। इस रेंज से बाहर अगर कहीं बढ़ भी जाता है तो फिर 200-300 पॉइंट का मूव और भी आ सकता है, बट यही एक ब्रॉड रेंज है। 35,500 नीचे अच्छी स्पोर्ट बनती है, अभी की डेट में 36,200 एक रेजिस्टेंस बनता है और अभी भी बैंक निफ्टी उसी के आसपास जो है चल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा आज अलग तरीके से काम कर रही है, अलग के कैसे कर रही है। आज सुबह बाजार पर खुला एडवांसेस 1,000 रुपये थे, लेकिन सुबह ही धड़ाम गिर गए 15 मिनट के अंदर ही, और जब धड़ाम गिरे तो एडवांसेस सारे साफ हो गए। फिर दिन भर जो है बाजार ऊपर की तरफ चला तो तब जाके एडवांस संभले, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 की रेशियो में थी। घटने वाले दो शेयर्स के सामने एडवांस वाला एक ही था, तो 1230 शेयर्स घट रहे थे और 568 शेयर जो है तेजी कर रहे थे, 568। आज FIs ने सेलिंग की, तो 2 दिन में जो माल खरीदा वो आज थोड़ा सा बेच लिया। ऐसा हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, जब बाज़ार में सस्ता माल मिलता है तो आप जो है इकट्ठा करते हैं, और जब उनके प्राइस ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो आप उनको बेच देते हैं। तो जो भी स्विंग ट्रेड्स या जो आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं 2-3 दिन के लिए, तो उस तरीके का ट्रेड शायद मुझे लगता है कि FNO के अंदर, हाँ सॉरी कैश मार्केट के अंदर FIs की तरफ से हुआ। और देखिएगा जब FIs माल बेचेंगे तो हमारे जो DIs हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बाजार जब गिरता है तो उसको गिरने से बचाते हैं और जब बाजार चढ़ रहा होता है तो बेचते हैं। तो आज जब इन्होंने बेचने की कोशिश की तो हमारे DIs बंधुओं ने जो है माल को उठा लिया, और सिमिलरली सेम ही लेवल की बाइंग और सेलिंग है। FIs ने आज इंडेक्स में मामूली सी सेलिंग की, तो जनरली इंडिकेशंस हेजिंग के लिए होता है, तो 2-3 दिन से खरीद रहे थे इंडेक्स को, तो आज उन्होंने सोचा भाई ये इतना खरीद रखा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लो। इसको देख के भी ऐसा लगता है कि इंडेक्स थोड़ा सा और बिक सकता है, तो जिसकी वजह से मैंने आपको यही बोला कि बाजार ऊपर खुलने के बाद फिर कल नीचे की तरफ आ सकता है, न्यूट्रल टू नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद स्टॉक के फ्यूचर्स में कुछ था नहीं, बहुत सारे स्टॉक के फ्यूचर्स इन्होंने खरीद रखे हैं। आज FIs ने कुल 12 करोड़ की सेलिंग की। निफ्टी बैंक आज देखिएगा, निफ्टी बैंक ने ये 200 पॉइंट की जो गिरावट दी, ये 200 पॉइंट की गिरावट मत देखिएगा, ये वास्तव में 36,000 से गिरा है, और ये 834 पे नहीं बल्कि ये 760 तक आ गया था, लेकिन ये एडजस्टमेंट हो गया क्योंकि आधे घंटे की एडजस्टमेंट होती है, तो उसकी वजह से आपको 834 दिख रहा है। तो केवल और केवल 25 मिनट के अंदर 200 पॉइंट बैंक निफ्टी को गिरा गया, और आज बैंक निफ्टी बहुत ही मजबूत था। दोपहर में जैसे ही नीचे जाता था भाई साहब इसको ऊपर खींच के ले आते बुल्स, हालांकि सुबह सुबह इसके अंदर 1-1.5 घंटे तो जो है कमजोरी रही थी निफ्टी बैंक में, लेकिन उसके बाद दिन भर 10-10:30 बजे के बाद, और ये कहें कि 11 बजे के बाद, तो इसमें तेज़ी आ गई थी। 11 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक इसमें फुल तेज़ी थी, लेकिन 2:15-2:30 बजे के आसपास जो है फिर इसमें कमजोरी थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हुई, और मैं 35,900 से बार बार बाउंस करके 36,000 की तरफ जाता हुआ नज़र आया बार बार। तो इस तरीके के ट्रेड जो है चल रहे थे, लेकिन भाई साहब 3:05 पर बियर्स को जो है गुस्सा आ गया, और भालू जो है पागल हो गया, और उसने 200 पॉइंट जो है निफ्टी बैंक को गिरा दिया। और अब देखिएगा यहाँ पर चार्ट, और चार्ट भी ये कहता है कि अब एक रेड कैंडल देखिए, दो बहुत मजबूत कैंडल बनी है ग्रीन, तो हालांकि बहुत बड़ी कैंडल्स हैं, मजबूत कैंडल है, एक रेड कैंडल आ भी गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी के शेयर्स के ऊपर प्रेशर जो है फंडामेंटली भी आ रहा है। अभी तो देखिएगा वोडाफोन आइडिया की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया का डिफ़ॉल्ट होता है तो एक बात और भी डिफ़ॉल्ट हो सकती है कि वोडाफोन आइडिया ने जिन लोगों का पैसा ट्रेड पेबल्स के रूप में देना है, यानी कि जिनसे उन्होंने मशीनरी खरीदी है, स्पेयर पार्ट्स खरीदे हैं, मशीनरी मतलब आप पार्ट समझ रहे हैं टावर बिजनेस के अंदर, या अपने जो भी नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के लिए जो चीज़ें, तो जो भी वो चीज़ें खरीदते हैं उन खरीदने वाले लोगों के पैसे भी देने हैं। बहुत सारी चीज़ें किस्तों पे ले रखी होंगी हायर परचेज़ में, जिसको लीज़ लाइबिलिटी आप बोलते हैं, तो वो जो लीज़ लाइबिलिटी वाली पेमेंट है वो भी उनकी ड्यू होगी। तो अल्टीमेटली जो पैसा बाकी लोगों को उनको देना है तो वो उनको नहीं दे पाएंगे, और उन लोगों ने जो बैंक से पैसा ले रखा होगा उसका डिफ़ॉल्ट होने की चांसेस और हो जाएंगे। तो ये जो रिस्क हैं ये कास्केडिंग रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि जिस जिसने माल की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई वोडाफोन आइडिया से की, और उस व्यक्ति ने खुद अपने पर्सनल लेवल पर बैंक से लोन ले रखे हैं, और जब उसको आइडिया से अगर पेमेंट नहीं आ गई तो उसकी खुद की इंसॉल्वेंसी होने का जो है रिस्क बढ़ जाता है, या वो भी बैंक का डिफॉल्ट कर सकता है। तो ये वाले जो रिस्क है ये वास्तव में बैंकिंग के ऊपर एक ओवरहैंग है,
जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कोविड की वजह से जो भी छोटे या मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जिनको अभी, हालांकि क्योंकि वो नाम उजागर नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है इस तरीके से हैं, क्योंकि मामला IBC में भी नहीं जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एक प्रेशर जो है असेट्स क्वालिटी रिस्क का बैंकों के ऊपर ओवरहैंग है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो भाई साहब अभी आपको बैंक निफ्टी 40,000 रुपये मिलता, निफ्टी से भी पहले बैंक निफ्टी चल रहा होता है। लेकिन क्यों नहीं चल रहा है, एक ये रीज़न मैंने आपको बताया। इसके अलावा देखिएगा, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक सिनर्जी होती है। देखिएगा, पहले प्लेग्राउंड खुला था, कोई कंपटीशन नहीं था, लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स चाहिए होते थे, तो अब उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की पूर्ति जो है होने लगी है। और कोविड ने एक चीज़ और बहुत समझाई है, भाई बिना बात पे लोन मत लो, क्योंकि बिना बात पे लोन लोगे और कोविड जैसी सिचुएशन आती है तो जेब खाली होने के बावजूद बैंक की कोई किस्त तो देनी ही पड़ती है, और फिर उसमें डिफॉल्ट करते हैं तो आपका सिविल स्कोर ख़राब होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ह्यूमन टेंडेंसी भी आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी। और सीधी सी बात है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक के, उस रेट से आप बिजनेस में पैसा उधार लेके अगर नहीं कमा सकते हो, तो फिर जो है उन बिजनेसेस में अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो अल्टीमेटली बैंक का रिस्क हो जाता है, बैंक का डिफॉल्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग बैंकों से पैसा उधार लेते हैं और बैंक 11-12% पे आपको पैसा उधार देते हैं बिजनेस लोन के अंदर, या 16-17% तक भी, और जब आपका बिजनेस ही फेल हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बैंकों के लिए जो है वो डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो आज की परिस्थिति में जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, जो आज से 5-7-8 साल पहले था बिजनेस के अंदर, तो वो जो कंपटीशन है वो बिजनेस में बढ़ गया, तो बैंक का ब्याज भी निकाल पाना बहुत बिजनेसेस के लिए मुश्किल हो गया, और कोविड की वजह से तो ये जो दुश्वारी है ये बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो उसके जो असर हैं वो असेट्स क्वालिटी की जो रिस्क है और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उसके सामने जब असेट्स फेल होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो सकती है। तो इसीलिए जो है मैं खुद भी ये मानता हूँ कि बैंक निफ्टी 40,000 होता अगर इस तरीके की सीवियर सिचुएशन असेट्स क्वालिटी वाले रिस्क नहीं होते, तो असेट्स क्वालिटी वाले रिस्क की वजह से फिर जो दूसरा बाकी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो भी आगे चल के इनके बिजनेस को खा सकती हैं, तो वो भी एक जो अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे लोगों के पास है वो भी आगे चल के बैंकों जो है उनके मार्केट शेयर जो है कैप्चर कर सकती है। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने कम रैली की है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। उसके बाद देखिए कि कंट्रीब्यूशन के अंदर HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, RBL, SBI, ICICI, इंडसइंड बैंक, एक्सिस और IDFC फर्स्ट बैंक, ये सब गिरने वाले थे। SBI से IDFC फर्स्ट और HDFC, कोटक, बंधन और RBL तेजी में थे। और बंधन बैंक के रिजल्ट आने के बाद जो है थोड़ा सा लोगों को विश्वास हो गया कि यार बंधन बैंक इतना ख़राब नहीं है जितना हमने शेयर प्राइस तोड़ रखा था। हालांकि देखिएगा, असेट्स क्वालिटी के रिस्क सभी में है, और शुक्र है बंधन बैंक को ये भी है कि भाई साहब मेरा नाम जो है आइडिया की लिस्ट में नहीं है। तो IDFC फर्स्ट बैंक का जो है वो 50 रुपये से नीचे क्रैक कर गया था, कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी, क्योंकि उसको मैं पीछे भी कवर करता रहूँ अपनी वीडियोज़ के माध्यम से, तो मैंने कल भी बोला था कि 50 रुपये के नीचे इसमें वीकनेस आ जाती है, तो वो वीकनेस जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा देखिएगा, मैनेजमेंट पे बहुत लोग जो है इसके इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, और मैनेजमेंट जो है डिलीवर नहीं कर पाई है, लेकिन हर बार जो है चीज़ें जो है समझाती तो है, लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स है वो भी ये बात समझता है कि भाई जब हमारी लॉलीपॉप चूसने की उम्र नहीं है, तो वो भी जो है एक असर है। हालांकि बट आज का जो असर है वो आइडिया वोडाफोन की वजह से ही है। पुट कॉल रेशियो 1.77 है। पहले तो मैं महीने के एंड वाली बात करता हूँ, जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से अगर आप पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो 1.77 है निफ्टी में। तो ये बताती है कि जी निफ्टी अभी आप थोड़ा सा आराम करिए, अभी आप चलना बंद करिए, क्योंकि आपकी पुट कॉल रेशियो ज़्यादा होगी। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो पुट खरीद के ज़्यादा खरीद रहे हैं, इसलिए खरीद रहे हैं कि भाई साहब बाजार गिर गया तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेज करने के लिए। तो ये जब पुट कॉल रेशियो बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि बाजार के खरीदारों को भी थोड़ा सा डर लग रहा है। तो अल्टीमेटली जब खरीदारों को डर लगेगा तो नई बाइंग आने की चांसेस थोड़े से कम होते हैं, और बाजार ऐसी स्थिति में थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है। बैंक निफ्टी नॉर्मली फ्लैट है अगर महीने के एंड वाली बात करें, अलग ये पोजीशन दूर है, लेकिन जो पोजीशंस जो बनती हैं वो दूर की पोजीशंस भी आज की परिस्थिति को देख के बनती हैं महीने के एंड की। और जो अगले हफ्ते की पोजीशंस हैं वो भी बैंक निफ्टी कहता है 1.43, इसको देखें तो ये यही कह रहा है कि भाई साहब जब बाजार थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये पुट्स और खरीद ली जाएंगी, तो जैसे ही ऊपर बाजार जाएगा पुट कॉल रेशो बढ़ जाएगी, और जब ये पुट कॉल रेशो बढ़ती हुई नज़र आएगी तो फिर वहाँ से एक हल्की फुल्की
प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और क्योंकि बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं लोग, उनका मन कर गया और वैसा फ्राइडे है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि बाज़ार ऊपर खुलना चाहिए, ऊपर जो अभी तक संकेत हमें मिल रहे हैं, और ऊपर जाने के बाद जो है लोग अच्छे प्रॉफिट में, जो हफ्ते में अच्छे प्रॉफिट कमाए, वो शायद अपना प्रॉफिट बुक करते हुए आप नज़र आए। और इसके बाद अगर इंडेक्स की बात करें तो 16,000 तो भैया बेस ही बन गया है। अब 16,300 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बराबर है, जितनी पुट है जितनी कॉल है, तो ये भी आपको क्या बता रही है, तो ये बता रही है ये कि भाई साहब 16,300 पर बाजार है और 16,300 पर ही पुट कॉल रेशियो में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो बाजार ये भी कह रहा है कि किसी भी साइड जा सकता है। तो 16,400 पर आज 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, तो वहीं 16,200 पर 26,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो 16,200 ज़्यादा मजबूत सपोर्ट है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ 16,400। तो 16,400 आज की परिस्थिति में कमज़ोर लग रहा है कि उसको बाजार जा सकती है, लेकिन 16,200 जो है टूट पाना आज की परिस्थिति मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए कि भाई साहब आज की डेट में कोई कॉल राइट करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि जो कॉल राइटर के पैसे पिछले 3 दिन में फंसे हैं वो बेचारे देखते डरते डरते जो है बेचने लगे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि कॉल राइटिंग थोड़ी कम है, और पुट राइटिंग वाले जो है एग्रेसिव हैं, क्योंकि पुट राइटर्स ने बहुत अच्छे पैसे बनाए, बोले भाई अब बेचो, तो वो पुट बेचने में जो है ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। तो ये है परिस्थिति। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेंज से जो है ज़्यादा कुछ आइडिया हो नहीं रहा है, लेकिन इसमें भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो अगर आप देखेंगे तो 36,000 के अंदर कॉल राइटिंग ज़्यादा है बजाय कि 36,000 की पुट राइटिंग में, तो 36,000 अभी एक रेजिस्टेंस होगा। तो 36,000 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी जाएगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अभी कोई भी ऐसे न्यूज़ या सेंटिमेंट्स इस तरीके के नहीं हैं। तो इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।